क्यूटीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। रामपुर जिले के बिलासपुर में स्थित सेंट थॉमस चर्च जोसेफ नगर नया गांव में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। 25 दिसंबर की मध्य रात्रि को यीशु मसीह ने जन्म लिया और सुबह शहर के सभी चर्चों में जन्मोत्सव की विशेष आराधना हुई। उसके बाद से ही यीशु मसीह के जन्म को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। गिरजाघरों में खूबसूरत आकृति बनाकर और रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाकर यीशु मसीह को याद कर अमन और चैन की दुआएं मांगी जाती हैं। रामपुर जिले के बिलासपुर में स्थित सेंट थॉमस चर्च जोसेफ नगर नया गांव में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसके बाद से ही यीशु मसीह के जन्म को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। गिरजाघरों में खूबसूरत आकृति बनाकर और रंग बिरंगी लाइटों से चर्च को सजाकर यीशु मसीह को याद कर अमन चैन की दुआएं मांगी जाती हैं। वहीं इस मौके पर फादर जोसेफ ने मीडिया से वार्ता कर क्रिसमस डे की बधाई दी। साथ ही बताया कि पूरे संसार में अमन चैन का आदेश दिया गया। हमें मालूम है पूरे संसार भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मानव का रूप लेकर संसार में आए थे यीशु मसीह और इंसानियत का दिया था संदेश। पूरे संसार भर के देशवासियों को ये संदेश इंसानियत का दिया था ताकि समाज का कल्याण हो सके। हर समाज हर धर्म यही चाहता है, सर्व समाज के लोगों का कल्याण हो और सब लोग आपस में मिलजुल के रहें और भाईचारे का संदेश दें। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सबों को मालूम है कि पूरे संसार भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार असल में प्रभु यीशु का जन्मदिन होता है, जो मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक मानव का रूप लेकर इस संसार में आया था। और इसीलिए प्रभु यीशु, जो कि प्रेम का संदेश, मुक्ति का संदेश देने के लिए स्वर्गराज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि हर कोई विश्वास करे, प्रभु में प्रेम को महसूस करे, मानव जाति की सेवा के लिए आगे आए। और यही संदेश प्रभु यीशु अपने जन्म के द्वारा पूरे संसार भर के विश्वासियों को देता है। और हम सबों को भी मालूम होना चाहिए कि हर विश्वासी या हर समाज सेवा के संसार में आता है ताकि समाज के कल्याण उसके द्वारा हो सके, समाज का कल्याण हो सके। हर समाज हर धर्म यही चाहता है कि हर कोई जो समाज के लोग हैं आगे आए, उनके जीवन सुंदर बने और सबको शांतिमय ढंग से, प्रेम से, मेल मिलाप से रह सके। और हमारे जो समाज को आगे प्रगति पर ले जाने के लिए सहयोग करें, यही प्रभु यीशु अपने जन्म के द्वारा हम सबों को संदेश देते हैं। धन्यवाद। क्रिसमस के अवसर पर मैं यह संदेश चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति को का उद्धार करने के लिए, सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए इस दुनिया में आया। कैसे हमको अच्छाई के मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। मैं उजाला सिग्नल सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ से मैं आज लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये दिन है 25 दिसंबर का, ये मानवता का दिन है, ये सबके हर्षोल्लास का दिन है और सबको एक दिन खुश रहने का दिन है कि सब लोग सारा पूरा साल अपने आप में रहते हैं, अपने जीवन के सुख दुख में रहते हैं, लेकिन आज एक साथ मिल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं। आज पूरे देश के लिए बड़ा खुशी का दिन है, जहां आज क्रिसमस मना रहे हैं। तो मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। आशा करता हूं कि सभी मिलजुल कर मनाएंगे।